हेलो प्यारे वर्ष, तो आज की इस वीडियो में आपका वेलकम कर रहा हूँ। तो प्यारे वर्ष, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी फेसबुक पर इसी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, फॉर योर अकाउंट सिक्योरिटी लॉग इन इन टू फेसबुक फ्रॉम एन एम्बेडेड ब्राउजर इज डिसेबल, यू मे बी एबल टू कंटिन्यू बाय अपडेटिंग द ऐप यू आर लॉगिंग इन फ्रॉम एंड ट्राई अगेन। तो प्यारे वर्ष, आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से आप इसे फिक्स कर सकते हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि यह प्रॉब्लम आपको देखने को क्यों मिलती है। ये इसलिए आपको देखने को मिलती है क्योंकि जब आप किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं या किसी और ब्राउज़र में अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं, तो उस ब्राउज़र में जो है आप कोई अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। ये जब आप अपना अकाउंट ब्राउज़र में लॉगिन करने जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो प्यारे वजह, आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर जाना है। तो प्यारे वजह, सबसे पहली बात जो उन्होंने उस प्रॉब्लम में भी बता दी है कि पहले पहले आप क्या कीजिए, अपनी ऐप को अपडेट कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई अपडेट अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मौजूद है। अगर अपडेट का होता तो अपडेट करके फिर हम चेक करते कि हमारी प्रॉब्लम फिक्स होती है या नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली से यहाँ पे जाना है आपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद वही आपने क्या करना है, ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ से आपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपने फेसबुक को ओपन कर लिया। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज एंड कैश है, आप इसे क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद उसके बाद यहाँ पे फोर स्टॉप कर दीजिए इसे। ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली से फेसबुक को ओपन करना है और वहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है। तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया प्यारे व्यूअर्स। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को किसी ब्राउज़र में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको ब्राउज़र में देखने को मिलती है। तो आप थ्री लाइंस पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में चाहिए। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें जाइए, स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक्स ओपन एक्सटर्नली, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, ऐप्स में जाके यहाँ पे आपने अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को सर्च कर लेना है। आपने यहाँ पे सर्च कर लिया इसे। इसे सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, इसका भी आपने क्लियर कैश कर देना है और क्लियर डेटा कर देना है। ओके प्यारे वाच, यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा करके आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपने फोर स्टॉप कर देना है, ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने बैक जाना है दोबारा से सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने फेसबुक को फिर से सर्च कर लेना है। फेसबुक को यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर डिफ़ॉल्ट्स का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ पे इसे क्लियर कर लीजिए, यानी क्लियर डिफ़ॉल्ट्स कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन सपोर्टेड लिंक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बहुत से लिंक्स हैं। ओके प्यारे व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ ऐप टू ओपन सपोर्टेड लिंक्स। ओके प्यारे व्यूअर्स, इसका टूगल यहाँ पे चेक होना चाहिए, यहाँ पे नहीं बल्कि ऊपर वाले के ऊपर चेक होना चाहिए, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने मेनली क्या करना है, ओपन स्पॉटेड लिंक ओपन करके आपने ऊपर वाले के ऊपर चेक करना है, यहाँ पे क्लियर डिफ़ॉल्ट आपने कर देना है। ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ पे जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहेंगे तो आपका अकाउंट 100% लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं इसे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही, यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ओके प्यारे वर्ष, तो प्यारे वर्ष यह था आज की वीडियो के लिए। अगर आप वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।